नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ग्राम रोंदा में प्रसिद्ध शेरावाली माता मंदिर प्रांगण में महंत उमाशंकर दास जी के सानिध्य में राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित सोमेश कृष्ण शास्त्री कनेरा वाले और उनकी धर्म पत्नी समाज सेविका कल्पना करैया ने अपनी प्यारी बेटी आराध्या करैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खैरिया वाली माता प्रांगण में माता के मंदिर में 111 दीपदान करके बेटी के उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद लिया। साथ में 3 वर्ष पूर्ण होने पर बेटी के नाम 3 वृक्ष लगाए और उसकी सुरक्षा और जल व्यवस्था के लिए उन्होंने महाराज जी से विशेष निवेदन करके व्यवस्था कराई। साथ में इस अवसर पर छोटे बच्चों को पेन और कॉपी और बुजुर्गों को शॉल और वस्त्र देकर उन्होंने बेटी के लिए आशीर्वाद मांगा। साथ में महिलाओं को साड़ियां वितरण की गई और सभी आए हुए लोगों को जलपान कराया। इस अवसर पर पंडित सुमित कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वो प्रत्येक वर्ष अपनी बेटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज में बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव को मिटाना है, बेटियों को उच्च शिक्षा और समाज में बेटियों का सम्मान होने के लिए प्रेरित करना। समाज सेविका कल्पना करैया ने सभी माताओं से आग्रह और निवेदन किया कि हर बेटी का जन्म दिवस उच्च शिक्षा और समाज में सम्मान अवश्य होना चाहिए। इस अवसर पर पंडित राधेश्याम पाराशर, गौरव पाराशर, मंगेश शर्मा, आशीष शर्मा, आनंद शर्मा, महाराज सिंह और विक्रम सिंह, हाकिम सिंह और तमाम माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, भक्तगण उपस्थित थे। समापन में कल्पना करैया ने सभी का आभार व्यक्त किया। आप सकते हैं कि खेरिया वाली माता है, हम लोग दुर्गा को पूजते हैं, काली को पूजते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं, सरस्वती को पूजते हैं, लेकिन घर की बेटियां और घर की बहू की कभी इज्जत और मर्यादा नहीं रखते। खासकर इसलिए हम लोगों को बता रहे हैं, आजकल हर घर में कलह, हम बहुत ऐसे रोज सुनते रहते हैं, घर में अपने बहुओं ने मार रहे, बयान आ रहे और जिससे चीज देख रहे हैं, फिर भी बहुओं को मार रहे हैं, इधर उधर अत्याचार कर रहे हैं। आज के समय हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में संसार में सबसे बड़ी यदि कोई है तो वो आज शक्ति है। या खेरिया वाली माता पे दर्शन करे हुए आओ, यहाँ प्रसाद 10 रुपए का चढ़ाओ, और घर की माता है वहाँ भूखे रखो, भोजन मत करो, लड़कियों को अच्छी शिक्षा मत दो, तो क्या ये माता प्रसन्न हो सकती है? कदापि नहीं। घर की माता, घर की बहन यदि प्रसन्न रहेगी, वो सुखी रहेगी, तो ये माता भी सुखी रहेगी। क्योंकि भगवान और कवियों ने भी कहा है, भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। परमात्मा केवल भाव का भूखा होता है, ये नहीं हम लोग इतना भोग लगा दें, 10 करोड़ का पूरा भोग लगा दे, वो खाएंगे नहीं, केवल वो भाव को वायु